कौन है? हाउ सेक्सी, मैं भी अंदर आ जाऊं? अंदर मत आना, मैं नहा रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, स्टार ऑफ द शो का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक ना आ रहा है। अमृत और मोती। हाँ अकेला, तो अंदर आ जा। अबे वो अकेला है ना? हाँ हाँ अकेला हूँ यार, लेकिन तुमने ये नहाने का कौन सा वक्त निकाला है? 15 मिनट में शो शुरू होने वाला है। ओ यार, 1 मिनट बस निकला। तू तो जानता गाना मेरा अंदाजा है। क्यों, बात ठीक है ना? हाँ ठीक है। और जब तक मैं नहा नहीं लूँ, मैं गिटार को यार हाथ नहीं लगाता। वो गिटार से याद आया, तेरे से बहुत जरूरी बात करनी मैंने। हाँ बोल बोल। बात ये दोस्त, आजकल म्यूजिक वर्ल्ड में बहुत कॉम्पिटिशन हो रहा है, आदमी चौकाना ना रहे तो पांव तली जमीन निकल जाती है। मैं सोचा था यार, सरदार फ्लूट म्यूजिक शॉप में एक बहुत अच्छी गिटार आई है गिब्सन की। हाँ। सोचा था उसे खरीद लूं। यार अगर तेरे से 4000 रुपए का एडवांस मिल जाए। हा? मेरे से? होटल से? देख यार बात सुन। हाँ बोल। तू अच्छी तरह जानता है कि होटल की पॉलिसी के खिलाफ एडवांस देना। बाकी मैं रहा मैनेजर, मेरे पास में नहीं। ओ यार कुछ तो चक्कर चला मेरे दोस्त, कुछ तो चक्कर चला। ठीक है, मैं मिस्टर कालर से बात करता हूँ, मैनेजर तो वही है ना। हाँ, मेरी लाइफ बन जाएगी यार। हो जा, ये ले टॉवल ले, चल। शो पे नहीं आ रहा। क्यों? लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अमृत नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। हम उसका गाना सुनने बगैर नहीं जाएंगे। उसको आना ही पड़ेगा। सुन लिया तुमने? आओगे? सुपर, आई लव यू। शो बिल्कुल फुल है जसवंत, अब तू जमाने आ गए। ओके हीरो, ओके। ओ जानी, ओ जानी, ओ जानी, ओ जानी, आया सनम, आया दीवान।
पानी में डूब तो नहीं गया, देखो जल्दी। आप मिस मल्होत्रा और ये मेरी छोटी बहन बबली है, ये तो आपका गाना सुनकर बिल्कुल फ्लैट हो गई है। अगर आप इस अपने गाने की एक ऑटोग्राफ कॉपी दे दे तो ये बहुत खुश हो जाएगी। शेर कौन सी कमरे में? 801। तेजी मैं डांस करते करते बहुत थक गई हूँ। थक गई है ना? तो मैं दबाता हूँ, दबाता हूँ। मुझे बहुत गुदगुदी होती है। गुदगुदी? मैं बहुत ही अच्छा गुदगुदाता हूँ। देखिए अभी मैं गुदगुदाता हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। आप तो गुदगुदी नहीं होती। We are trying to run a respectable hotel here. मैं तुमको दो तीन बार पहले टोक चुका हूँ। मगर कुछ नहीं, आप चुप रहिए। शट अप, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। नुस्खा, मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी से कोई मतलब नहीं, लेकिन इस होटल में एक रूल है कि गेस्ट स्टाफ के साथ नहीं मिल सकते। मिस्टर सिंह, आपको गलत फहमी हुई है, ये डॉक्टर जमुना दास है। ये कोई भी हो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा इस होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मेरी बात तो सुन लीजिए मिस्टर सिंह, मुझे नाश्ते वक्त मेरे टांगों में दर्द होने लगा था, इन्होंने कहा ये ठीक कर देंगे। मैं ऊपर चेकअप के लिए आई थी, मगर इन्होंने आदमी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसा आदमी। मुझे फजूल की बातें नहीं सुननी, अपना सामान पैक करो, गेट आउट ऑफ हियर। और आप सरकार, अब ये सोचना पड़ेगा कि आपके साथ क्या सुलूक किया जाए। दो तरीके हैं आपके साथ डील करने के, पुलिस को फोन कर दिया जाए, आपको अंदर करवा दिया जाए, लेकिन इसमें हमारे होटल की बदनामी होगी। मुझे दूसरा तरीका ज्यादा बेहतर लगता है। मैं आपकी श्रीमती जी को फोन। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगी, मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और फिर ये कि 2 महीने के बाद इलेक्शंस है ना, ये स्कैंडल हो गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए मारा जाएगा। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके पांव पड़ता हूँ। तो अभी तक यही हो लड़की। अरे चल हट, कितने में कटा? 10,000 में कटा। ये ले 5 तेरे। यू ब्रूट। अरे इतना प्यार मत कर, मेरा नाक घस जाएगा। अच्छा ना, कब तक आओगे? बस ड्यूटी खत्म, क्या पहुंचा तेरे पास? ये लो 5,000 रुपए, हमें 4,000 की जरूरत थी ना, पूरे 5 है, गिन लो। आजकल कीमतों का क्या भरोसा है, तुम अपना गिटार खरीदने जाओ और पता चले दाम बढ़ गए, इसीलिए तुम पूरे 5 ही रख लो। वो सब तो ठीक है, मगर मुझे पैसे वापस करने में काफी देर लग जाएगी। वापस ही ना करो? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, पैसे लौटाने के और भी तो तरीके होते हैं। हमारे पास आओ, करीब बैठो, प्यार मोहब्बत की बातें करो। ये लो पैसे, लुस्का, गेट आउट ऑफ हियर। अमृत, ये बात तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, असल तो असल सूद लौटाते लौटाते जान निकल जाएगी। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। आई टीच यू अ लेसन। मिस मल्होत्रा, बबली, हमारे कमरा खुला छोड़ के चले गए। खैर, ये रहा आपका गाना और मेरा ऑटोग्राफ, मैं चला। बीके तुम? मैं सिक्योरिटी इंचार्ज होके तुम ये चोरी कर रहे थे? मैं चोरी नहीं कर रहा था दोस्त, ये मेरी मजबूरी थी। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे कैंसर हो गया है और तुम तो जानते हो उसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उसके लिए। झूठ मत बोलो पीके, तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। वो मेरी सगी माँ थी, ये सौतेली माँ है मेरी। अगर मैंने इसका इलाज नहीं करवाया तो मेरे सौतेले भाई बहन कहेंगे कि इसलिए क्योंकि वो मेरी सौतेली है इसलिए मैंने उसे मरने दिया। ठीक है, अब इस किस्से को खत्म कर दो, पुलिस के हवाले कर दो मुझे। ठीक है, वो अच्छा एक काम करो, जेवर वापस सूटकेस में रखो और आंधे ऐसी हरकत मत करना। चलो। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी दोस्त। सुनो, माजी के ऑपरेशन में कितने रुपयों की जरूरत है? यही कुछ 5,000-7,000 तो लग जाएंगे कम से कम। सुनो, अगर मेरी तरह से कुछ हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मुझे इस पाप से बचा लिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा नहीं भूल सकता। थैंक यू। आंटा मत करना। थैंक यू। चल, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।
क्या हुआ? अमृत, अमृत। क्या क्या अमृत? उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, मैं वहाँ से भाग गई, वो तुम्हारे कमरे में बैठ गई। मैं गोली मार दूंगा, आराम से ठहरो, बैठ जा। उससे मारकर तुम खुद फांसी पर चढ़ जाओगी, उससे क्या फायदा? फिर तुम उसे ऐसा मजा चुकाओ कि उसे जिंदगी भर याद रहे। ये मेरे लिए? नहीं। क्या बात है बीके? मिस मल्होत्रा, हाँ मैंने आपका गाना कमरे में छोड़ दिया था, मिल गया ना? गाना तो मिल गया, लेकिन एक नेकलेस गायब हो गया। तो मैम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अमृत। मुझे? तू क्या कह रहा, मैंने चोरी की? अरे मुझे क्या जरूरत थी? तुम्हें जरूरत है, कल तुमने मुझे से 4,000 रुपया मांगा था ना। कमाल करता तू मोती, तू मेरी तलाशी ले सकता है, मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। वो तो ली ही जाएगी। भगवत सर माफ कीजिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तलाशी ले लूं, लेकिन ये ऐसा लड़का नहीं है। मुझे पता है, तुम चलो। कमाल करता है तू। I'm sorry, it's okay. मैं तो आपकी फैन हूँ, मुझसे मांग लिए होते 4,000 रुपए, चोरी करने की क्या जरूरत थी? जरा अंदर आइए मोती साहब। यही है मेरा हार। जुर्म साबित है, इसलिए मुलजिम अमृत कुमार सक्सेना को 2 साल कैद की सख्त सजा दी जाती है। अमृत। अरे मोती तू? यार मेरे होटल के कमरे की तरह इस जेल की कोठरी में भी टेलीफोन है, तू फोन कर देता, आने की क्या जरूरत थी तुझे? नहीं बदलो गई यार। बदलने से अगर मेरी सजा कम हो जाए तो मैं अभी बदल जाऊं, लेकिन फायदा नहीं यार। तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। बेकसूर तो मैं हूं ही यार, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? परसों या शायद नर्सों की बात है, मैंने बीके और लुस्का को आपस में झगड़ते हुए देखा, उससे मुझे पता चला उन दोनों ने मिलकर तुझे नेकलेस की चोरी में फंसाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथ ऐसा कुछ सबूत लग जाए जिससे मैं अपनी। कुछ करो यार, कुछ भी सोचो। अरे हाँ मोती, याद आया, मुझे पता चला है कि अगर कैदी का चाल चलन अच्छा हो तो उसे 8-10 महीने की कैद माफ कर देते हैं। यहाँ के अफसर मुझसे काफी खुश है, मैं अर्जी देता हूँ, अगर मंजूर हो जाए तो फिर मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। अरे भाई तमाशा शुरू करो, नहीं तो हमारे पैसे वापस कर दो। अरे भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि रास्ता बंद होने के वजह से हमारा आदमी वहाँ फंस गया, इसलिए उस आदमी के बगैर ये तमाशा नहीं हो सकता। अरे मगर आप जब तो नहीं फंसी है, हमारे पैसे लड़ो दो। एक मिनट, पहले ये तो बताओ हुआ क्या दोस्त? पैसे ले लाए साहब, तमाशा दिखाता नहीं और पैसे वापस लौटाता नहीं है। ये तो बड़ी ज्यादती है, या तो पैसे लौटाओ या तमाशा दिखाओ। अरे पैसे कैसे लौटा दे, इतने बड़े कबीले को खिलाएंगे कैसे? अरे बाबू हम गरीब आदमी है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे साथ जो गाना गाता था ना, वो रास्ता बंद होने की वजह से नहीं आ सका। तुम्हें इन्हें कुछ समझाओ ना, हमारी मदद करो ना। हा? पैसों का मामला समझा तो नहीं सकता, हाँ मदद कर सकता हूँ। अरे तो देरी किस बात की, चलो ना। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो दिल भर जान। आवारों की क्या पूछ रहे, अपनी कहो दिल भर जान। कहो कैसे रास्ता भूल पड़े, अच्छे तो दिल भर जान।
रास्ता भूल पड़े अच्छे तो दिल भर जान आवारों की क्या पूछ रहे अपनी कहो दिल भर जान कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो दिल भर जान दुनिया क्या होती है बनजारे किसके यार ऐसा सब कहते हैं हम जिसके हो जाते हैं उसके ही रहते हैं बनजारे किसके यार ऐसा सब कहते हैं हम जिसके हो जाते हैं उसके ही रहते हैं कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो दिल भर जान आवारों की क्या पूछ रहे अपनी तो दिल भर जान कहो कैसे रास्ता भूल पड़े अच्छे तो दिल भर जान अरे आज का तमाशा तो धमाल का रहा रे तूने तो कमाली कर दिया ये ले तेरे हिस्से के पैसे पैसे मदद करने वाले पैसे थोड़ी लेते हैं तुमने मदद करने को कहा हमने मदद कर दी पैसे न सही कुछ और सही ये संदल सी बाहें ये गुलाबी होंठ अरे देख ना क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ इतना भी क्या शर्माना अमृत बाबू तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम मैं और भी बहुत कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में मेरे बाप के यहाँ दो लड़कियां पैदा हुई शबनम यानी कि मैं और काजल यानी कि वो जो एक अरसा हुआ शहरी बाबू के चक्कर में हमें छोड़कर चली गई और फिर होटलों में नाचने लगी मैं ये भी जानती हूँ कि काजल और भगवत सिंह ने मिलकर तुम्हें एक चोरी के इल्जाम में फंसाया है ना काजल और तुम्हारी एक तस्वीर भी है मेरे पास यही हो ना तुम लुस्का तुम्हारी बहन काजल है हाँ ये जो भगवत सिंह है ना बड़ा कमीना आदमी है वरना काजल बुरी लड़की नहीं है तुम भगवत सिंह को कैसे जानती हो एक बार मिली हूँ जब मामा बीमार हो गई थी तो काजल उसे छोड़ने यहाँ आई थी तब वो भी उसके साथ था उसी रात न जाने दोनों में क्या तकरार हुई उसी में तो मुझे पता चला कि उन दोनों ने तुम्हें कैसे फंसाया था मैंने तो काजल से कह भी दिया था कि ये जो भगवत सिंह है ना बड़ा कमीना है चार शैतानों के बराबर है शबनम एक बात कहूं कहो अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरी मदद करूंगी क्यों नहीं तुम्हारी एक मदद भी तो कर्ज है मुझ पर और क्योंकि इन दोनों ने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाया था तो तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है दीदी ये बात तो वो ठीक कहता है मैंने और भगवत ने उसे जेल जरूर भिजवाया था मगर वो साबित कैसे कर सकता है अरे वो कुछ साबित नहीं करना चाहता उसके सर पे तो खून सवार है वो सिर्फ बदला लेना चाहता है दीदी इसलिए टेलीफोन किया काजल कि होशियार रहना बस दीदी सुनो ओ हेल बीके सुनो हमने जेल से छूट चुका है यहाँ से भाग चलो प्लीज लेकिन उसे दो साल की सजा हुई थी अभी तो एक साल नहीं हुआ पूरा नहीं नहीं मेरी दीदी कहती है कि वो छूट चुका है वो हमसे बदला लेने वाला है यहाँ आ रहा है चलो ना यहाँ से भाग चलो ना इसमें डरने की क्या बात है मैंने होटल की नौकरी छोड़ दी है चेहरा भी बदल लिया उसके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं सुनो बीके तुमने अपनी चोरी उसके सर पर थोप दी तब बड़ा मजा आया था लेकिन अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है यहाँ से भाग चलो मुझे खून खराबे से बहुत डर लगता है सुनो तुम मुझे अगर जरा भी चाहते हो तो यहाँ से भाग चलो प्लीज ठीक है मैं खुद भी यहाँ बहुत बोर हो गया हूँ दो तीन रोज के लिए कहीं बाहर चलते हैं सामान पैक करो थैंक यू तुम शबनम से यही कह रही थी ना लुस्का कि तुमने मुझे फंसाया तो था लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है
तुम गलत कह रही थी। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये टेप रिकॉर्डर। इस कमरे में जो भी बातचीत हुई वो सब इस टेप में बंद है। गिव मी दैट टेप। अमृत ये टेप मुझे दो। गिव मी दैट ब्लडी। और कोई सबूत है तुम्हारे पास अभी? टेप को हाथ लगाया तो जान से जाओगे। मेरा राजा भी ट्रेन पे आ गया। ट्रेन भी टाइम पे आ गई। ये लो। नीचे के दोनों बर्थ तो हमारे पास है ना? हाँ। तो उठा इनको। कोई बेचारा थका हुआ लगता है, सोने दो उसे, मैं ऊपर लेट जाता हूँ। तो फिर रिजर्वेशन कराने का क्या फायदा था? मैं जाकर कंडक्टर को बुलाती हूँ। अरे यार तुम्हारा नाम जूही है, जरा नरम रहो। नरम गरम क्यों होती हो? मैं अभी उसे उठा देता हूँ। मिस्टर मिस्टर अमृत। ये हो अपना अमृत यार, जिसकी बातें सुना सुना कर मैं तुम्हें 156 156 बार बोल कर चुका हूँ। ये जूही है तेरी भाभी, यानी के श्रीमती विजय कुमार गुप्ता। गाड़ी टाइम पे चल भी पड़ी। साला हंसता है, लगता है इस बदमाश ने तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर लिया है। भाभी ये जो तुम्हारा पति है ना, नेहायत ही शरीर है, शरारत करने में इसका जवाब ही नहीं है। आदत से मजबूर है ये। बजने दे यार, बहुत रस है इस आवाज में। क्या रस है? ठेंगा रस है इस आवाज में। खबरदार जी मेरे डैडी की आवाज की बुराई की। इसकी बात का बुरा मत मानिए, छेड़ना तुझकी आदत है। दिल वाले बेटे जब बात कर रहे हो तो कम से कम बात तो करने दिया करो। गाना अच्छा है। अरे भैया दहेज में ससुर जी की एक अदद तस्वीर और ये गाना ही तो मिला था, इसलिए मैं इस गाने को बहुत सोच समझ कर खर्च करता हूँ। क्या मतलब? मैं हो गया इनपे आशिक, तो इनके पिताजी ने कहा कि एक फटीचर क्रूनर की ये मजाल कि मेरी बेटी पर आशिक हो। बस उखड़ गया अच्छे से। जूही से कहा भूल जाओ विजय को। जूही ने कहा पापा ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जानते हो एकदम बड़ा फिल्मी डायलॉग बोला, बोलते हैं कि विजय को तुमसे नहीं मेरे बैंक बैलेंस से प्यार है। जूही ने कहा पापा आप संभालिए अपने बैंक बैलेंस को और वो मेरे पास आ गई और हम दोनों ने शादी कर ली। मैंने तो अपने आदरणीय ससुर जी की तस्वीर के दर्शन कर लिए हैं। लो तुम भी कर लो। क्या आदमी हैंडसम है ना? इसका मतलब तुम अभी तक इनसे मिले नहीं? अरे कहाँ यार, उन्होंने तो मेरी तस्वीर तक नहीं देखी। एक बार बड़े चाव से हमने तस्वीर खिंचवाई। जूही से बहुत मस्का मारा कि तस्वीर भेज दो, सूरत देखकर पिघल जाएंगे, लेकिन ये कहाँ मानी। ये है हमारे ससुर जी का चहेता गाना, इसलिए मैं इस गाने से जलता हूँ। अगर इतना जलते हो तो अपनी सालगिरह के दिन अपने दोस्तों को ये गाना सुनाने की क्या जरूरत थी? अरे यार वो तो मदर इंडिया की आजादी की खुशी में गा दिया था। झूठ क्यों बोलते हो? भाई ये क्या, पहले मैं गाना सुनूं तो बताऊं कि ये 15 अगस्त का गाना है या इसकी सालगिरह का। पता है भाभी क्या कहता था? कि 15 अगस्त की छुट्टी इसकी पैदाइश की खुशी में होती है। जरा गाना लगाइए। जीवन के दिन छोटे सही,
हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। वाह, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। विजय साहब, बहुत अच्छा गाना है। अरे लेकिन तुम्हारे बारे में तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं, कहाँ थे इतने दिन, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल? यार मैं तो, मुझे गोली मारी, बता तुम कहाँ जा रहे हो? ससुर जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। ले, अभी तो तुम कह रहे थे कि वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और वो ये सब जूनियर का चमत्कार है। मैंने उन्हें इसकी एक तस्वीर भेज दी, बस जूनियर की तस्वीर देखते ही लहलोट हो गए, नवासे को देखने के लिए तड़प उठे। मैंने जूही से कहा तड़पने दो कुछ दिन और, लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना, पिघल गई और अपना बिस्तर बन गया। अब हम मुन्ने को लेकर ससुराल जा रहे हैं। देखो तू बहू मेरी सूरत पर गया है ना कमली। आपकी सूरत पर कहाँ गया भैया, आंखें देखिए ना, भाभी पर गया है। अभी आ जाएगा तो इस घर में जान भर जाएगी, बच्चों के बिना घर सूना सूना लगता है। अरे वो अपना जग्गू जो है। अरे भैया जग्गू ही काम का होता तो रोना काहे का था, सब लोग अपने बाप की अच्छी आदतें लेते हैं, किसने तो उनकी मूर्खता ली है। नमस्ते मामा जी। अरे आओ बेटा आओ आओ। है, है? क्या सूंगा रे? अरे सूंगा करते थे स्वर्गीय पिताजी, मगर मैं कुछ कुछ सूंग लेता हूँ, तुम जरूर मामा जी से मेरी बुराई कर रही थी। अरे जग्गू छोड़ना, ये तस्वीर देख। देख ली ये हूँ बहुत सूरत मुझ पर गई है ना। ये क्या जाएगा सूरत पर, सूरत पर जाया करते थे स्वर्गीय पिताजी। चुप। पर मम्मी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने कभी मामा जी को इस तरह नंगा टब में देखा है क्या? हाँ पड़े तेरी जबान पर, जो मुँह में आता है बोल देता है, ना छोटा देखता ना बड़ा। जग्गू इस वक्त मेरा ख्याल है तेरा गिरा खराब है, तू यहाँ से टली जा। मैं क्या टलूंगा, टला करते थे, है टला। अरे अच्छा खासा मजाकिया लड़का है, तुम हर वक्त उसे डांटती रहती हो। तो और क्या करूं भैया, शहद लगाकर चाटूं सुबह शाम। मक्खनलाल भाई तुम कहाँ गायब हो गए थे, जाओ जरा पता करो तो, वो ट्रेन तो वक्त पर है ना। अरे ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बड़ी खास ट्रेन है, इसमें मेरी बेटी आ रही है, दामाद आ रहा है, नवासा आ रहा है। और ये तुम उलट क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? गजब हो गया मालिक। क्या गजब हो गया? जूही बिटिया जिस गाड़ी से आ रही थी। क्या हुआ उस गाड़ी को? एक्सीडेंट हो गया मालिक, कहते सब खत्म हो गया। नहीं नहीं मखनलाल, कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि ये सब झूठ है मखनलाल। तुम ये कैसे कह सकते हो मखनलाल, तुम ये कैसे कह सकते हो, ये सच है, ये सच होगा मखनलाल। मुनीम जी जाके डॉक्टर को जल्दी बुलाइए। भैया ये क्या हो गया? Thank you.
कंपार्टमेंट में इनके साथ इनकी बीवी यानी के इस बच्चे की मां भी साथ में थी। उनके बारे में आप आइए मेरे साथ, चलिए देखिए शायद इन्हीं में से कोई हो। डॉक्टर साहब ये मेरे ख्याल में यही सारी थी। ना ना इनका चेहरा मत देखिए, बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। बीपी ठीक है, कार्डियोग्राम में जरा गड़बड़ थी, लेकिन सिन्हा साहब अब आपको जरा होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि दूसरा अटैक था और काफी स्ट्रॉन्ग। सॉरी मामा जी, मैं बाहर से पी कर आता हूँ, घर में सिगरेट प्रोहिबिटेड है राइट। सुनिए अजी, मैं क्या सुनूंगा, सुना करते थे स्वर्गीय पिताजी। ये इधर आइए, ये बच्चा, ये बच्चा जो टब में है, ये बच्चा आपकी गोद में है। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे मैं बहरा हूँ, इसीलिए मैं मामा जी से कहा करता था कि भगवान कोई डाकू मानसिंह है जो हमारी सारी खुशियाँ लूट लेगा। बाय द वे मेरा नाम है जगन्नाथ प्रसाद श्रीवास्तव। देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, ये बच्चा जी मिस्टर श्रीवास्तव मैं क्या होऊंगा, मिस्टर श्रीवास्तव हुआ करते थे स्वर्गीय पिताजी, सर से लेकर पांव तक श्रीवास्तव। देखिए हाँ। बच्चे की हालत देखिए आप। अजी मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैं बहरा हूँ, बिल्कुल बहरा हूँ। मामा जी नीचे आइए, देखिए जीजा जी आए हैं। तुम लोगों ने तो झूठी कहानी सुनाकर मुझे मार ही डाला था। अरे चुप कर, नाना की गोदी में आकर तो चुप कर। जुही कहाँ है, जुही जुही? यही बात मैं आपसे कहने आया हूँ कि जुही। कोई बात नहीं, मैं समझ गया, भगवान ने तुम्हें बचा लिया, मुन्ना को बचा लिया, लेकिन जूही को ले लिया कमली। लगता है भगवान ने मुझे क्षमा नहीं किया। बेटा ये जूही की बुआ है कमला। बात ये है सिन्हा साहब की, सिन्हा नहीं, डैडी कहो। डैडी? मैं आपको डैडी कैसे कह सकता हूँ, मैं तो गैर अजनबी, मेरा आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ ये बच्चा आपका खून है, इसे देने चला है और कुछ नहीं। रिश्ते तो बनाने से बनते हैं, भूल जाओ पुरानी बातों को। इसे समझाओ ना डॉक्टर, चूही चली गई तो क्या तेरा हमारा रिश्ता भी चला गया? देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं वो आई आई मैं आपको समझाऊं। क्या डॉक्टर साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आप लोग खामा का गलत समझ रहे हैं। मैं तो सिन्हा साहब का डॉक्टर हूँ, खानदानी झगड़ों में पड़ने का मुझे कोई हक नहीं। मैम फिर भी एक डॉक्टर के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ, दो हार्ट अटैक इनको हो चुके हैं, तीसरा और पड़ गया तो यकीनन इनकी जान को खतरा पैदा हो। मैं क्या कर सकता हूँ? और अगर आप ही गैर बनने की जिद करते रहे तो मेरा ख्याल है तीसरे अटैक में भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप लोग पूरी बात तो समझते नहीं, आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं उनका, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चले गए तो ये दुख से मर जाएंगे, और अगर आप इनको मारना ही चाहते हैं तो चले जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब उनका मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं, जो ही मेरी बीवी। पुरानी बातों को भूल जाओ, एक जान की खातिर क्या तुम कुछ दिनों के लिए रुक नहीं सकते? ठीक है डॉक्टर साहब, अगर सिन्हा साहब के जीने की यही शर्त है। सिन्हा साहब नहीं, डैडी। डैडी जाओ बेटे, जाओ जाओ उनके पास। डैडी जाओ। अरे अरे मुन्ना, अरे बेटा चुप कर लो। कमली इसे जरा चुप करा दे। हम डैडी मैं नहीं जाऊंगा,
मैं आपको साथ में छोड़ के जा भी कैसे सकता हूँ? अरे बेटा जाना भी ना। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। काम ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है। चलो तुम्हें बॉटलिंग डिपार्टमेंट दिखे। चलो। हेलो, ये जूस फाइनल स्टेजेस में यहाँ आता है और यहाँ इसकी बॉटलिंग, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर इसकी लेबलिंग होगी और बाहर जगह जगह पर भेज दिया जाएगा। आप यहाँ? तुमसे ही मिलने आया। आपने क्यों तकलीफ की, मुझे ऑफिस में बुला लिया होता। अरे भाई तुम नौकर थोड़ी हो, घर के आदमी हो। हाँ बेटा, ये है मक्खन लाल, ये मेरा दामा। इनकी ईमानदारी और वफादारी की मैं कसम खाता हूँ। मालिक क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरे खून की हर बूंद में आपका नमक है। चलो अब तुम्हें इनके बेटे से मिलाता हूँ, बड़ा ही मेहनती लड़का है। मालिक आप क्यों तकलीफ करते हैं, आप जाकर ऑफिस में आराम कीजिए, मैं दिखा देता हूँ। जाओ। आओ बेटे आओ। ये है मेरा होनहार बेटा प्रेम, बड़ा मेहनती है, सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, खाना तक नहीं खाता। बेटे ये विजय बाबू, अपने मालिक के दामाद। ओह नाइस मीटिंग यू। जिसकी तौर खाएगा ले। डैडी, खुश मैं रोकर देख चुका हूं बेटी, आंसू तेरी दीदी को वापस नहीं ला सकते। मगर मुझे खबर तो देनी चाहिए थी डैडी, खबर दी तो अभी इतनी देर से, कल ही मिला मुझे आपका खत। पहले खबर देकर क्या करता, तेरे इम्तिहान चल रहे थे। और बेटी बहन की मौत की खबर कभी पुरानी नहीं होती, फिर भी भगवान का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस एक्सीडेंट में विजय और मुन्ने को बचा लिया। विजय तो भगवान का वरदान लगता है, शायद कोई अच्छा कर्म किया होगा। दामाद से ज्यादा वो बेटा लगता है, यहां आकर उसने सारा काम संभाल लिया है। मैं तो बस बैठे बैठे इस उन्ने में तुम दोनों बहनों के बचपन का तमाशा देखता रहता हूं। चलो तुम्हें विजय से मिला दूं। आओ विजय जी। रश्मि से मिलो, मेरी बेटी तुम्हारी साली। नमस्ते जी। अच्छा जीजा जी, इत्मीनान से बात करेंगे। चलो मुन्ना साहब, हम खेलेंगे। यार मुन्ना, तुमने अपने नाना जी को बताया नहीं कि यह फ्रॉड तेरा बाप नहीं हो सकता? कमाल है, अपने डैडी की शक्ल भी भूल गया। इधर बैठ, मैं अभी दिखाती हूँ। देख, ये रही तेरी मम्मी यानी कि मेरी दीदी, और ये रहे तेरे पापा। चल नीचे जाके साले का भांडा फोड़ते, चल जल्दी। थैंक यू बेटा, मैं आपकी दवाई लाता हूं। अरे बैठ बैठ बैठ, मुझे दवा की जरूरत नहीं, मेरी दवा तो तू है, बस हर घंटे के बाद दवा की खुराक की तरह मेरे सामने आ जाया कर। लगता है कि मैंने पिछली जिंदगी में कुछ बहुत ही नेक काम किए हैं जो तेरे जैसा दामाद मिला। अरे जी, मैं तेरे आने से मेरी जिंदगी के 2-4 साल और बढ़ गए। लो चाय पियो। मुन्ना साहब, लगता है नाना जी से ये बात अभी छुपा ही ले, देखते हैं। फ्रॉड है तो पैसे के लिए आया होगा, और पैसे नाना जी की जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी है। ले जाने दो 2-4 लाख, लेकिन आँख खुली रखेंगे। क्या बताऊँ दोस्त, आजकल बड़ी परेशानी है। जब से ये सेठ का दामाद आ गया ना, यहाँ से माल निकालना बहुत भारी पड़ता है। फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, ठीक कल 4:30 बजे मैं शिमला रोड पर ट्रक भर के माल आपके लिए ले आऊंगा। आप पैसे तैयार रखना। पैसे तो हमेशा तैयार रहते हैं प्रेम बाबू, वो अपना पुराना आदमी है ना लेखुराम। हाँ। वो आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा आज का माल संभाल और माल निकाल, कल दूसरा माल ले आऊं। ये लो। पैसे पूरे हैं ना? पूरे हैं। मक्खन लाल जी, देख लीजिए अपने बेटे के करतूत, पता नहीं कब से इस तरह फैक्ट्री का माल गोल कर रहा है आदमी। उल्लू के पट्टे। नहीं बाबू, मेरी औलाद होकर तूने ऐसी हरकत की, मैं तेरी जान ले लूंगा।
तेरी जान ले लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। हाथ रोकिए बकला जी, मैं डैडी को इसके बारे में पता नहीं लगने दूंगा, लेकिन आप अपने बेटे से कह दीजिए कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करे। ठीक है बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मालिक से मत कहना। तो बेकार कीजिए, आप ट्रक वापस ले जाइए, मैं गाड़ी में आता हूँ। बाबू के कसाई कुत्ते का पिल्ला समझ के मारा, महोदय ऐसा करते। बेटे सुन सुन, अगर मैं तुझे नहीं मारता ना तो इसको शक हो जाता, फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे। बेटा ये काम कर, लेकिन होशियारी से कर। चल, कितना दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग प्रेम। अरे भाई जरा देखो तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। जी अच्छा, अब तो बताओ कि तुमने ये पार्टी किस लिए दी, ना आज तुम्हारा बर्थडे है ना मेरा। सवाल करके मेरा मूड मत कॉल कीजिए, सबको आ जाने दीजिए फिर बताऊंगी। अरे सब तो आ गए, अब आप कौन आने वाला है? ये लीजिए, आप जीजा जी को तो भूल ही गए। आज की दावत किस खुशी में हमें कुछ बताया ही नहीं। भाई ये दावत तो रेशमी ने दी है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, इससे पूछो। आज क्या तारीख है जीजा जी? आज 15 अगस्त है। और सुनो तुम मेरा नाम लेके पुकारा करो, ये जीजा जी वीजा जी बड़ा आउटडेटेड साउंड करता है। डैडी अभी कहीं ना। मेरा ख्याल है ये पार्टी तुमने इंडिपेंडेंस डे की दी है। 15 अगस्त का आपके लिए और कोई मतलब नहीं? मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। अरे छोड़ो ना बेटी, क्यों खामखा बेचारे को परेशान कर दी? नहीं डैडी, ये मेरी जिद है, इन्हें आज का दिन याद दिलवा कर ही रहूंगी। कुछ याद आया? ना आ रहा हो तो मैं बताऊं कि आज? वैसे आज मेरा जन्मदिन जरूर है, लेकिन तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं हैप्पी रिटर्न अपनी बेटी, मैं नहीं हैप्पी रिटर्न। अरे बेटी विश करो ना हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलिए आज वो गाना हो जाए जो आपने अपनी पिछली सालगिरह पर गाया था। मैंने पिछली सालगिरह पर कोई गाना गाया था? जी हाँ, दीदी ने मुझे अपने खत में बताया था, याद कीजिए। कुछ याद नहीं आ रहा, क्या फर्क पड़ता, छोड़िए। आपको अपनी सालगिरह याद नहीं, वो गाना याद नहीं, आप अपने आप को तो नहीं भूल गए? मैं बताऊं कि आप कौन हैं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे तू तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई है। ला 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 के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही चार पल है, आगे है क्या किसने जाना। जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे तो हिम्मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हिम्मत वाले। जिंदगी दर्द भी है,
जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम्मत वाले। विजय बेटा जी, ये लो, शादी के बाद जूही ने मुझे ये खत लिखे थे, पर मैं तो बहुत खफा था ना, इन्हें पढ़ा नहीं, शायद ये बंद लिफाफे तुम्हारी राह देख रहे थे, आज ये खत तुम्हें देकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। हाँ एक बात तुमसे और करनी है, बैठो बैठो बेटा, पहले मेरा ख्याल था कि तुम्हें जूही से नहीं मेरी दौलत से प्यार है, यह सोचकर मैंने तुम्हारा कितना बड़ा अपमान किया था, पर अब उसका प्रायश्चित तो करना ही होगा। क्या मतलब? मैंने फैसला किया है कि जूही के हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम ट्रांसफर करना। नहीं डैडी, मैं हाँ बेटा, ये देखकर जूही की आत्मा को कितनी खुशी होगी कि मैंने तुम पर भरोसा किया है, तुम्हें स्वीकार किया है। नहीं डैडी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी लेकिन ये बात नहीं मानूंगा, आपने इरादा किया जूही की आत्मा की खुशी के लिए ही बहुत है, उसकी जायदाद का वारिस मैं नहीं उसका बेटा है। देखो बेटा, अगर तुमने ये मेरी बात ना मानी तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन डैडी अमृत, तुम्हें इस घर में रुकना पड़ा क्योंकि सिन्हा साहब की जिंदगी का सवाल था, लेकिन आज वो तुम्हें अपना दामाद विजय समझकर अपनी आधी जायदाद का मालिक बनाना चाहते हैं, कल जब असलियत का पता चलेगा कि तुम विजय नहीं अमृत हो और ये खूनी हो तो क्या जवाब है तुम्हारे पास? बेहतर यही अपनी किस्मत समेटो और सच बोलकर इस घर से निकल जाओ। हाँ रश्मि, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि तुम कितने झूठे और मक्कार हो। आज तुमने पार्टी में दीदी का चहेता गाना खूब गाया, 15 अगस्त को जीजाजी का बर्थडे था और तुम्हारा भी निकल आया। अगर तुम विजय हो तो ये कौन है? ये विजय है, मैं अमृत हूँ। ओ, तुम्हें किसी तरह पता चल गया कि डैडी ने विजय को नहीं देखा, तुम नकली विजय बनकर डैडी की दौलत पर हाथ साफ करने आ गए। ये झूठ है। क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त मेरी दीदी और जीजाजी कहाँ हैं? वो दोनों ट्रेन एक्सीडेंट में मर गए। ये झूठ है। मर गए या डैडी की दौलत की लालच में तुमने उनका खून कर दिया? रश्मि, तुम झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज और कातिल भी हो। ना मैं कोई धोखेबाज हूँ और ना ही मैं कोई कातिल। विजय मेरा अजीज दोस्त था, मैं यहाँ किसी अपने स्वार्थ के लिए आया। ट्रेन एक्सीडेंट में विजय और तुम्हारी दीदी की मौत के बाद मुन्ना को यहाँ पहुँचाना मेरा फर्ज था। जब मैं यहाँ पहुँचा तो तुम्हारे डैडी ने मुझे अपना दामाद विजय समझ लिया और तुम्हारी फैमिली डॉक्टर ने मुझे यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया और कहा कि अगर मैं चले गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। और अगर तुम्हें अब भी यकीन न हो तो ये चिट्ठी पढ़ो जो मैं लेकर इस घर को छोड़ के जाना था। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये विजय है ना विजय, अरे वो साला शक्ल से चालाक मालूम होता है, उससे होशियार रहना पड़ेगा। और ये बुड्ढा तो दिल का मरीज है, किसी ना किसी दिन खुद ही मर जाएगा और फिर जायदाद का असली वारिस जूही का बेटा उसे खत्म करना है। जैसे ही वो खत्म हुआ तुम्हारी रश्मि के साथ शादी और बुड्ढे की सारी जायदाद हमारे पास। क्यों? ओके चलो।
ये क्या है? नारंगी। ये नारंगी है? इस नारंगी को मेरे स्वर्गीय पिताजी सड़ी हुई नारंगी कहा करते थे और भक्त सूरदास जी इस नारंगी को नारंगी कहा करते थे और न जाने किस दूध को खाते थे, किस दूध को खोते थे, मगर वो तो भक्त थे। मैं इस फैक्ट्री का इंचार्ज हूँ। तुमने इस नारंगी को छील कर मेरे नाम को छीलने की कोशिश की है। तुमने कंपनी के क्वालिटी रूल को तोड़ा है। तुम मेरे ऑफिस में आओ जी। तुम मेरे ऑफिस में आओ। तुमने क्वालिटी रूल को नहीं मेरे दिल को तोड़ा है। मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में आओ। आती हूं। ये क्या जग्गू, वहाँ तो इतना डांट रहे थे और अब यहाँ ये? यही तो है प्यार। स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे कि अपने प्यार की भनक किसी के कानों में न पड़ने दो। वहाँ बहुत सी मक्खियाँ भिन भिना रही थी, इसीलिए भौरा अपने फूल को लेकर यहाँ आ गया। मेरी तारा, शाम को कहाँ चमकोगी, कहाँ मिलोगी मुझसे? अब मिलने मिलाने से क्या फायदा जग्गू? मेरे बापू को तुमने नौकरी से निकाल दिया, बहुत गड़बड़ करती। अगर उसे नौकरी से ना निकालता तो क्या मैं खुद नौकरी से निकल जाता? वो ड्यूटी के ऊपर शराब पीता था। तुमने ऐसे बेवड़े को अपना बाप क्यों बनाया? ठीक है, अगले जन्म में नहीं बनाऊंगी। That's fine. लेकिन इस जन्म का क्या होगा? इस जन्म में हम दोनों की शादी होगी। लेकिन वो तो किसी और से मेरी शादी नामुमकिन। तुम मेरे बाप को नहीं जानते जग्गू। मैं उसे जानता हूँ, तुम मुझे जानने की कोशिश करो ना जग्गू। हम ड्यूटी पर हैं। अरे वाह मेरी ब्यूटी, तुम कितनी समझदार हो। शाम को तालाब पे मिलेंगे। तालाब पे शाम को? तालाब पे शाम को? अच्छा। एक बोतल और लाओ। ये यतीम खाना नहीं शराब खाना है। पहले पैसे निकाल। पैसे मांगते हैं? जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे वो क्या जाने, मैं जानता हूँ बाबा। और तुम्हें कौन नहीं जानता कि तुम तारा के पिताजी हो? ये लो। अरे हाँ हाँ ठहरो बनवारी लाल जी, मुफ्त में शराब पीने का एक ही रास्ता है। चलो। अरे धीरज रखो और ऐसा करो कि तारा का हाथ मेरे हाथ में दे दो और जिंदगी भर मुफ्त की शराब पियो। जिंदगी भर मुफ्त में शराब? हाँ, लेकिन फैसला जरा जल्दीबाजी में करो। क्यों? क्योंकि ये जग्गू तारा को लेके भाग जाएगा। तारा को लेके भाग जाएगा? हाँ। वो शंभू का बच्चा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। बापू मेरी शादी उससे कर देगा। तुम जल्दी कुछ सोचो ना। मैं क्या सोचूंगा? अरे सोचा करते थे स्वर्गीय पिताजी। पिताजी आ गए। स्वर्गीय पिताजी? अरे नहीं, तेरे जिंदा पिताजी आ गए। पानी में, पानी में। जल्दी। जग्गू और तारा। जग्गू और तारा आज पकड़ा गया। अरे बाबू तुम? वो कहाँ है? कौन? जग्गू का बच्चा। कौन जग्गू? अरे वो तुम्हारे साथ पानी में कूदा था। मैं तो अकेली नहा रही थी। बापू आज फिर तुम्हें ज्यादा हो गई है, जाओ घर जाके सो जाओ। हाँ कुछ ऐसा ही लगता है, ज्यादा हो गई है। अरे जग्गू तुम बदमाश। मछली? अरे नमस्ते बनवारी लाल जी। वो कहाँ है? कौन? तारा। तारा? दिन में तारा? अरे अभी तुम्हारे साथ पानी में नहा रही थी। शर्म करो। अरे अपनी जवान कमारी बेटी के बारे में एक जवान कमारे लड़के से पूछ रहे हो कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? अरे इसीलिए कहता हूँ शराब मत पियो, अभी भी टाइम है। जाओ सुधर जाओ, घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। आंखें हराम जादी पर उतर आई हैं, क्या का क्या देख रही है। बापू तुम अभी तक आओ, जाओ घर जाओ। जाता हूँ बाबा, जाता हूँ। चलो बाबा भी। शुक्र है हमें पानी ने बचा लिया और तेरे बापू को दारू ने डुबा दिया, नहीं तो बुड्ढे ने आज पकड़ ही लिया था। स्टैचू।
पहले तारा अकेली, फिर जग्गू अकेला, फिर दोनों साथ में। लगता है आज कुछ ज्यादा ही हो गई है। गया गया। नमस्ते अंकल। नमस्कार मालिक। मक्खन लाल जी जरा आप ही मेरी मदद कीजिए, मैं थोड़ी सी राइडिंग के लिए जाना चाहता हूँ और ये मुझे जाने नहीं दे रही। ठीक ही तो कर रही है बिटिया। क्या खाक ठीक कर रही है? आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको मेरी राइडिंग पर भरोसा नहीं और इसलिए आप मुन्ने को मेरे साथ भेजना नहीं चाहते? अरे बेटा तो अंकल ये बातें तो मुन्ने को मैं लेके चलता हूँ। तुम प्रेम तो यूनिवर्सिटी में राइडिंग क्लब का कैप्टन था। जाओ बेटे जाओ जाओ। आजा मुन्ना आजा प्यारा मुन्ना आजा 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 चले राइडिंग करेंगे। चलो मुन्ने। रश्मि और प्रेम की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। जोड़ी तो ऊपर वाला बनाता है। कमाल करते हैं आप डैडी। बाहर डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर लेने के लिए सूख रहे हैं और आप ये गप लगा रहे हैं। चलिए। अरे भाई ये तो हमारे कहने से रुक गए, वरना ये तो चले थे राइडिंग के लिए। राइडिंग? हाँ। जवाब नहीं आपका डैडी। अरे नहीं, इसीलिए तो मैंने मुन्ना को प्रेम के साथ भेज दिया घोड़े पे। उनको मुन्ने के साथ? हाँ अभी अभी मोटरसाइकिल पर आया था इनके साथ। अरे अरे विजय पर तू कहाँ जा रहा है? अरे सुन तो। बात तुम अच्छी से समझ लो, अगर डैडी दिल के मरीज ना होते तो मैंने कल घोड़े पे मुन्ने वाली बात बताकर तुम्हें और तुम्हारे बाप को जूते मारकर इस घर से निकाल दिया होता। मैं उन्हें तुम्हारे और तुम्हारे बाप की नमक हरामी के शौक से बचाना चाहता हूं, इसलिए आज से तुम इस घर में दिखाई नहीं दोगे। सुबह फैक्ट्री आओगे और शाम अपने घर जाओगे। नाउ आउट। मकरना जी, ये 56,000 की एंट्री कैसी? वो ट्रैक्टर आया था बदलापुर के लिए। फिर ये 56,000 की एंट्री कैसी?
अरे ट्रैक्टर अकेला थोड़ी होता है, उसका ट्रांसपोर्ट है, स्पेयर पार्ट्स है, डबल टायर है। 56,000 के ट्रांसपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, डबल टायर है। अंकल जरा आप यहाँ से जाएंगे, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। आप बैठिए, मैं अकाउंट रश्मि क्या करूँ तुम? प्लीज मैं इसको चेक करके आता हूँ। क्या बात है? बात यह है कि मुझे कहते हो शर्म आती है, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, मैं तो समझो मर मिटी हूँ उस पर, और लड़का भी कुछ पिघला हुआ लगता है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक बार देखकर पसंद कर लो। मेरे पसंद करने से क्या होगा? देखिए बात यह है कि मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की अनेक चढ़ी हुई है, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है, और फिर क्या पता शायद लड़का इतना अच्छा हो या ना हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी ऐसे वैसे शादी कर लूं? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसे मिल लो एक बार प्लीज। वो लड़का अभी तक नहीं आया। मगर तुम अगर मगर बात करते हो, जिंदगी अगर मगर के दायरे से बहुत दूर है। लेकिन रश्मि, लेकिन अगर मगर कुछ और कहो, शायद कोई और मतलब निकल आए। पर रश्मि आया, अंग्रेजी भी शुरू की तो बट से। देखो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ जाए तो मैं उसे मिल लूँ और फिर तुम्हारी डैडी से बात करूँ। उससे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी ना? नेचुरली। नेचुरली बुद्धू कहीं के, इतना भी नहीं समझते? वो लड़का तुम ही हो। नहीं रश्मि, मेरे पीछे की ऐसी दागदार जिंदगी है जिसका कोई भविष्य नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती तो हूँ। वो खत जो तुमने डैडी को लिखा था अब तक मेरे पास है, और मैं ये भी जानती थी कि तुम विजय नहीं अमृत हो। फिर भी तुमने मुझे, पहले तो डैडी की वजह से, वो तुमसे इतने खुश थे कि मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी, और फिर मुझे भी तुमसे प्यार हो गया, और तुम्हें प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करने लगा हूं रश्मि, मगर इकरार करने से डरता हूँ। सोचता तुम मुझे इस आदमी का कब तक साथ दे सकोगी? पागल, तुम नहीं जानते तुम में क्या है। मन तू क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से।
अब तो सनम प्यार हुआ इकरार हुआ ला 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 तुझ में क्या है दीवाने जाने मन को क्या जाने आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से हे सपन यार दिल ने कहा प्यार हुआ इकरार हुआ ला 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 विजय तुम लोग कहाँ हो जी क्या हुआ डैडी ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तुम दोनों फड़क उठोगे क्या खबर है मुफ्त में नहीं बताऊंगा पहले दाम निकालो ओके जूही जिंदा है मेरी कसम खैर ओके शादी हो जाने के बाद लड़की पर पहला हाथ बहन का नहीं पति का होता है चलो जूही जूही देख लीजिए दीदी जूही जूही तेरे सामने कौन खड़ा है देख मैं कहता था ना कि तेरा पति जिंदा है पहचानो इसे ये विजय है तेरा पति नहीं ये मेरा पति नहीं है ये मेरा पति नहीं है जी मैं तो पहले आपको कहूं तुम बेटा दिल छोटा ना करो उसने तो मुझे भी नहीं पहचाना अपने बच्चे तक को नहीं पहचाना दरअसल उसकी याददाश्त जाती रही है जी हाँ बेटी मिली भी तो किस हाल में अपने डॉक्टर के सिवा ना वो किसी को पहचानती है ना किसी का कहा मानती है वही भला आदमी उसे बहला फुसला के यहां तक ले आया डॉक्टर साहब आप मुझे कहां ले आए हैं यहां हर कोई मुझसे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है कोई कहता है मेरा बाप है कोई कहता है मेरी बहन और वो कहते हैं ये मेरा पति है तुम अच्छा तो आप हैं जूही के पति बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर आप लोग सब ये जानने के लिए बेताब होंगे कि मैं उस एक्सीडेंट की जगह पर क्यों और कैसे पहुंचा और जूही इस मौजूदा हालत में मुझे कैसे मिली मैं अपनी कार में सफर कर रहा था यूं समझ लीजिए कि एक्सीडेंट तकरीबन मेरी आंखों के सामने हुआ मैंने देखा कि एक लड़की वहां अकेली भटक रही थी मैंने अपनी गाड़ी रोकी ए लड़की ए लड़की मरना चाहती क्या हाँ प्यारी बेटी जूही अपने पति को लेके घर वापस आ जाओ करोड़ों रुपए की दौलत बेटी के प्यार की जगह नहीं ले सकती करोड़ों की तेरे डैडी का नाम क्या है कहाँ रहते क्या नाम है उनका बोल मुझे नहीं याद बोल मैं पूछता हूँ क्या नाम है तेरे डैडी का बता मत मारो मुझे मुझे कुछ नहीं याद मैं खुद याद करने की कोशिश कर रही हूँ मुझे कुछ याद नहीं चल मेरे साथ चल मैंने एक अकेली लड़की को वहां छोड़ना मुनासिब नहीं समझा इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया वहां मैंने उसका इलाज किया लेकिन फिर भी उसकी याददाश्त को वापस न ला सका अब आप ही सोचिए एक अनजान बेपहचान लड़की ऐसी हालत में मेरे लिए कितनी बड़ी समस्या बन गई होगी लेकिन डॉक्टर अगर आप जूही की तस्वीर अखबारों में छपा देते तो उसके घर वाले मेरा मतलब हम सब फौरन वहां आ जाते दुरुस्त मैंने खुद भी यही सोचा था लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया क्योंकि अगर मैं जूही की तस्वीर अखबारों में छपवाता तो उसके कई नकली रिश्तेदार पैदा हो जाते नकली बाप नकली बहन नकली पति और हर आदमी आपकी तरह शरीफ तो नहीं है ना विजय बाबू सिन्हा साहब
मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो एक खून करने के बाद करीबी रिश्तेदार बनकर किसी के घर में रहे और कुछ ही दिनों में उनकी सारी दौलत साफ करके वहां से रफू चक्कर हो गए। और मैं जूही की जिंदगी के साथ ये जुआ नहीं खेल सकता था। खैर, एक दिन एक शख्स आया, उसने जूही को पहचान लिया और इस तरह मुझे जूही की जिंदगी की एक और कड़ी मिल गई और मैं उसे आपके पास ले आया। मगर डॉक्टर साहब, दीदी कब तक ठीक हो जाएगी? ये सवाल तो आपको अपने जीजाजी से पूछना चाहिए। इन्हीं की वजह से तो आपकी बहन ने आप लोगों को छोड़ा था। आपकी लव मैरिज हुई है ना? अगर आप अपनी जाति और शादीशुदा जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे दोहराएं तो शायद खैर सिन्हा साहब, मैं आपकी खोई हुई बेटी को वापस ले आया हूँ। अब कल परसों तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा। डॉक्टर, मुझे अपने कमरे में बहुत डर लगता है। एक्सक्यूज मी, जूही के सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट, कम माय चाइल्ड, कम। देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ डार्लिंग, कम। बस ये दो गोलियां खा लो, नींद भी बड़ी अच्छी आएगी और डर भी नहीं लगेगा किसी चीज से। हा? ये लो। हा बस अब आराम से लेटो। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सोने की तैयारी करो और किसी चीज के बारे में मत सोचना, आराम से लेटना, बिल्कुल सोने की तैयारी करो। क्या ये दवा है? मुझे दो। इस दवा का सर? देखो बच्चे, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। हमारी तुम्हारी भलाई इसी में है कि उसकी याददाश्त वापस ना आए, और जब तक उसे गोलियां खिलवाता रहूंगा उसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी। और मेरी बात मान लो, दो चार गोलियां तुम भी फांक डालो ताकि तुम हमारी अपनी दुश्मनी को भुला सको, क्योंकि तुम्हारी और मेरी मंजिल तो एक ही है ना। तुम्हारी और मेरी मंजिल न कभी एक थी और न कभी एक होगी, समझे? क्या सोच रहे हो? यही कि अब मैं ये दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। रश्मि यार, कोई हद होती है? कब तक झूठ बोलता रहूंगा तुम्हारे डैडी से? जब तक सच बोलने का वक्त ना आ जाए। तुम झूठ इसलिए बोल रहे थे ना कि सच उनकी जान ले सकता है। मैं जानता हूँ वो खतरा अभी तक टला नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो सच सुनने की हालत में भी नहीं है, लेकिन उन्हें पूरी बात बताने का वक्त कब आएगा? जब तक दीदी उस फ्रॉड डॉक्टर के चंगुल से निकल न जाए और डैडी की तबीयत पूरी तरह संभल न जाए। प्लीज। मुझे इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अरे इन आंखों में अपनी और मेरी जिंदगी के सपने देखो, ऐसे सपने जिसमें जुदाई का रंग ही ना हो। वाह वाह, क्या सीन है। पागल बड़ी बहन वहां कमरे में बंद है और छोटी बहन अपने जीजा के साथ यहाँ इस लड़ा रही है। खबरदार प्रेम। क्या कहा तुमने? अब मैं बात को जरा बदल कर कहता हूँ। पागल पत्नी कमरे में बंद है और यहाँ पति अपने साली के साथ इस लड़ा रहा है। कभी ऐसी बदतमीजी की तो इस घर में आना बंद कर दूंगी, समझे? चलो विजय। क्या है डैडी, आप कुछ खा नहीं रहे? परेशान दिख रहे हैं आप। बेटा वो जूही की तरफ से बहुत परेशान हूं। वो हम लोगों में से किसी को भी पहचान नहीं रही है और ये डॉक्टर जाने की बात कर रहा है। तो जाने दीजिए उसे, हम कोई दूसरा डॉक्टर लेंगे। अच्छा सा? नहीं बेटा, तुम तो देख ही रहे हो, वो एक सहमे हुए बच्चे की तरह हर वक्त उस डॉक्टर के चारों तरफ मंडलाती रहती है। जब तक जूही ठीक ना हो जाए हमें उसे यहां रुकना ही पड़ेगा। ऐसा करो, ये 1,00,000 का चेक तुम अपने हाथ से उस डॉक्टर को दे दो और उसे किसी भी तरह कुछ देर और रुकने के लिए मजबूर कर दो। डैडी, 1,00,000 रुपए? बेटा रुपए की क्या बात है, जूही की जिंदगी का सवाल है, प्लीज। अच्छी बात है। 1,00,000 रुपए? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है? ये मैं नहीं दे रहा हूँ, सिन्हा साहब ने भेजा चेक। अब इसे लेके चले जाओ यहाँ से, वरना मुझे सिन्हा साहब से कह देना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कह दो मैं डॉक्टर न सही, लेकिन जिस लड़की को वो मुर्दा समझते थे कम से कम उसकी जान तो फिर भी मैंने बचाई है ना। वैसे अगर मैं सिन्हा साहब से ये कह दूं कि तुम उनके दामाद विजय नहीं बल्कि अमृत हो और एक लड़की का खून करके भागे हो और सारे मुल्क की पुलिस
तुम्हारी गर्दन के नाप का फंदा लिए तुम्हें तलाश कर रही है, फिर क्या करोगे? कान खोल के सुन लो, तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हें मसल सकता हूं। नाउ गेट आउट, गेट आउट। लेकिन सुनो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इस घर में बहुत माल है, हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे जितना रुपया चाहिए और जब चाहिए वो हासिल करने के लिए तुम कभी मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनोगे, और उसके बदले ये राज मैं अपने सीने में दफन कर लूंगा कि सिन्हा साहब का असली दामाद विजय गाड़ी के एक्सीडेंट में मर चुका है। नाउ हाउ डू यू लाइक दिस अरेंजमेंट यंग मैन? भगवत सिंह, तुम मुझे फांसी चढ़वा सकते हो, लेकिन मेरे जीते जी इस घर को नहीं लूट सकते। चुरी चुरी बेटी, ये लो, संभालो इसे। बड़ा बदमाश है, कौन पहचानता है? बहुत प्यारा बच्चा है। किसका है? तुम्हारा बेटा है बेटी। मेरा कोई बच्चा नहीं। दिमाग पर जोर डालो बेटी, ये देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही है। बंद कीजिए ये फजूल की बातें। डॉक्टर साहब, ये लोग मुझे क्यों परेशान करते हैं? आप इनसे कहिए, मैं इनके कुछ नहीं लगती। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं इन्हें डांट दूंगा। जाओ, गुड गर्ल, जाओ। डॉक्टर साहब, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जूही पागल हो जाए? लेकिन देखिए, सुनिए, मैं आपके दिल का दर्द समझता हूँ। मैं जूही का डॉक्टर हूँ, उसकी सेहत और उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी मुझ पर है। अगर आप लोगों ने इसी तरह प्यार और पुरानी बातों का दबाव डाला उस पर, तो यकीनन वो पागल हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तुम की तरफ से डैडी, डैडी मुझसे चूही की याद देखी नहीं जाती। डैडी आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? दीदी को तो हमने मुर्दा ही समझ लिया था। अगर दीदी हमें जिंदा वापस मिल सकती है तो शायद एक दिन उनको उनकी याददाश्त भी मिल जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। नमस्ते खान अंकल, कैसी है बेटी? ठीक हूं। जीती रहो। हाँ वर्षना, मैं ये कहने आया था कि मेरा बेटा अली खान अमेरिका से साइकेट्री का कोर्स पूरा करके दो चार दिन वापस लौट रहा है, बस उसके आते ही जूही बेटी को उसे दिखा देंगे। और हाँ जनाब, दूसरी बात यह है कि कल रात जो अपनी क्लब का सालाना जलसा हो रहा है उसमें अपने दामाद और जूही बेटी को जरूर लाइएगा। हो सकता है पुरानी जगहों पर जाकर कोई भूली बिसरी याद दिमाग में उभर आए। हाँ खान अंकल, आपने ठीक कहा, हम दीदी को वहाँ जरूर ले आएंगे। डैडी याद है 3 साल पहले दीदी उसी क्लब में ब्यूटी क्वीन बनी थी? नॉट अ बैड आइडिया। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। अरे दीदी, आपने खान आंटी को नहीं पहचाना? इतने दिनों बाद देखा है। हेलो जूही बेबी। ये मिस्टर पिंटो, तुम्हें पियानो सिखाया करते थे? यही तो पिंटो अंकल है जिसे छुपने के लिए हम पेट पर चढ़ा करते थे। मैं समझाता हूँ तुम्हें, आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज़ेस। देखो विजय जी, ये खान मेरा दामाद। जीते रहो बेटा। खाकसार को वसीउल हसन खान कहते हैं। भाई विजय मियाँ, रश्मि कह रही थी कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो आज जरा महफिल गर्म हो जानी चाहिए। जी अंकल, वो जूही की तबीयत कुछ खराब होने की वजह से जी उलझा सा रहता है। सो गादो बेटा, शायद तुम्हारे गाने से जूही की याददाश्त के तार छिड़ जाए। एक्सक्यूज मी सर, आप में से मिस्टर विजय कुमार कौन है? मैं हूं, बंबई से इंस्पेक्टर दुबे आए हैं। जाइए, आपके मेहमान आए, जाइए। Yeah।
निगाहों का दिया तेरी आंखें, मेरे गम की दवा तेरी बातें, तो फिर और चलने के तैयार हूँ। चलिए चलना कहा है साहब, मैं इंडियन रेलवे की ओर से आया हूँ। आपकी बीबी ट्रेन एक्शन में बच गई, आपको मुबारक हो। आपको सिर्फ ये रेलवे का नो क्लेम फॉर्म भरना है ताकि रेलवे के ऊपर आपका कोई क्लेम ना हो। ये बात है इंस्पेक्टर साहब, बस लीजिए जितनी मर्जी दस का चार्ज ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं जरा तुम्हारा कमरा गौर से देख रहा था, बड़ा अच्छा है। सिर्फ मुझे इस पलंग पर एतराज है, यह है डबल बेड यानी दो के लिए, मगर तुम तो तीन हो, तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी साली। मुंह संभाल के बात करो, अभी क्या गेट आउट ऑफ हियर। चिल्ला के कभी मुझसे बात मत करना, समझे? आखिर तुम क्या चाहते हो बीके? अरे हम दोनों दोस्त रह चुके हैं यार, बल्कि मैंने तुम्हें चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ को कैंसर था और तुम्हारे पास ऑपरेशन के पैसे नहीं थे, और तुमने मुझे ही चोरी में फंसा दिया यार। क्यों मेरे पीछे पड़े हो बीके? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? तुम्हें लुस्का की इज्जत पर हाथ डालने की गलती नहीं करनी चाहिए। लुस्का? ये क्या कह रहे तुम? लुस्का तो मेरी बहन जैसी थी। हाँ बीके, तब तो आई एम वेरी सॉरी, मैं तो उसी गुस्से में था। आई एम सॉरी दोस्त, मैंने तुझे बहुत चक्कर में डाल दिया, लेकिन घबरा मत, उस चक्कर से मैं ही तुम्हें निकालूंगा। अदालत में जाके हल्फिया बयान दे दूंगा कि लुस्का का खून तुमने नहीं किया था, गोली इत्तेफाकन चल गई थी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बीके। एहसान? एहसान की क्या बात है दोस्त, मैं तुम्हारे काम आऊंगा तो तुम मेरे काम आओगे, ठीक है ना? जाहिर है ये भी कोई कहने की बात है। कहने की बात तो नहीं है, फिर भी तुम मुझे एक 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख रुपए? हाँ सोच लो, अगर फांसी पे चढ़ने का शौक है तो जाने दो। लेकिन मैं 10 रुपए लाऊंगा कहां से? बीके, मैं बैंक से।
कल सुबह वर्कर्स की तनख्वाह के लिए 1,00,000 रुपए निकालोगे, उसके बजाय 6,00,000 निकाल लेना। वो रुपया मेरा नहीं जो मैं निकाल लूं। मैं सिन्हा साहब से बेईमानी नहीं कर सकता। बेईमानी तो सिन्हा साहब से तुम कर ही रहे हो, नकली दामाद बनके उनके घर में जमे हुए हो ना। ठीक है, एक बेईमानी एक धोखा और सही। ये धोखा मेरे कहने से दिया गया था। ये डैडी की जान बचाने के लिए नकली दामाद बनाए गए हैं। अमृत, कल इन्हें 5,00,000 रुपया दे दो। देखो ये कितनी अकलमंद है तुमसे ज्यादा, और प्रैक्टिकल भी है, बातों को खींचती नहीं है तुम्हारी तरह। मैं कल 5,00,000 रुपए लेते ही अदालत में बयान दे दूंगा कि तुम बेकसूर हो। और अदालत में बयान देने के बाद आप इस इलाके में नजर तक नहीं आएंगे, समझे? मैं यहाँ शहद बनाने के लिए नहीं आया हूँ मिस सिन्हा, माल बनाने के लिए आया हूँ। मैं अपने पैसे लेते ही खुद ब खुद यहाँ से चला जाऊंगा। क्यों पार्टनर, कल की तैयारी है? गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मैं सिन्हा साहब को धोखा नहीं दे सकता रश्मि। डैडी को धोखा तुम नहीं मैं दे रही हूँ। और फिर धोखा कैसा, ये रुपये मेरे भी तो हैं। और फिर 5,00,000 की हैसियत क्या है? गंगा में से 5 बूंद पानी कम हो जाने से गंगा सूख तो नहीं जाती। बुद्धू राम, कहाँ हुआ एक्सीडेंट? कहाँ है विजय? बस सामने। शादी का जोड़ा पहनो और तैयार होकर बाहर निकलो। शादी होते ही तुम रश्मि को लेकर 8-10 दिन के लिए गायब हो जाओ, और मैं सिन्हा के बच्चे को ये खुशखबरी सुनाने की एवज में कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, 10,00,000 रुपया ले लूंगा। अच्छा, वो तो बात की बात है। पहले तुम दोनों बाप बेटे 10,00,000 जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ, और वो भी कस कस के। अरे ये मनोज कहाँ से आ गया? अरे मक्खन लाल, मैं खींचता हूँ तेरी खाल। अरे अभी पहना दो तुझे हार जूतों का, 10,00,000। अरे 4 बम्बू और 1 बम्बू। अरे जय शंभू। अरे कैसी मारती, कपड़ा हो गया? अरे काटोगे क्या? अरे जीजा जी बचाओ, आओ। अरे कालिया तेरा क्या होगा? दोनों को बांस बरेली भेज दूंगा। ले बांस बरेली।
माफ कर दीजिए, हम गलती हो गए। तुम 40 साल से हमारा नमक खा रहे हो ना, और ये उस नमक हलाली का सबूत है। डैडी, ये प्रेम के साथ जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहा था। इंस्पेक्टर, इन नमक हराम कुत्तों को ले जाओ मेरे सामने। हमें माफी दे दीजिए। चुप रहो। ओ, मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। दबा हो जाओ यहाँ। ये प्रेम को पता कैसे चला इस बैग में इतने रुपए? उसे मालूम था ना आज वर्कर्स की तनख्वाह का दिन है, तो तुम बैंक से रुपए लेकर आओगे। ओ, उठा लो बेटा। अंकल सिन्हा, मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया है, एंड आई थिंक यू विल अग्री विद मी हियर डॉक्टर जोशी, कि अगर हम जूही को फिर उसी एक्सीडेंट के माहौल में ले जाएं, तो शायद उस तजुर्बे के जरिए लगने वाला शौक उसे फिर ठीक कर दे। हाँ, लेकिन ये शौक उसे खराब भी तो कर सकता है, वो बिल्कुल ही पागल हो सकती है, कुछ भी हो सकता। नहीं नहीं अली मियां, फिर तो रहने दीजिए। मैं डॉक्टर साहब की राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जी। हाँ, इसका 1% चांस जरूर है कि इससे जूही को कोई फायदा ना हो, लेकिन नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो सेमी ट्रांस में होंगी। एंड बिसाइड अंकल जी, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अमेरिका में रोज किए जाते हैं, और 80% केसेस में मरीज ठीक भी हो जाते हैं। अगर मिस्टर विजय मुझे इजाजत दे तो आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट ऑन हिम। व्हाई नॉट डॉक्टर अली, आप जो मुनासिब समझे वही कीजिए। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, आई कैन बिगिन राइट अवे। चलिए। अमृत, इसे रोक दे, अगर जूही ठीक हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। आर यू रेडी? स्टार्ट प्लीज, लाइट्स। कामयाब रहा, ये बेहोश नहीं, एक किस्म की नींद में है, जब उठेंगी ठीक हो जाएंगी। जब तक दीदी को होश नहीं आता मैं दीदी के साथ रहूंगी, प्लीज आप लोग जाइए। प्लीज पापा। दीदी, दीदी याद करो, दीदी मैं रश्मि हूँ, तुम्हारी बहन। देखो देखो, ये हमारा घर है, अभी हम बाहर जाएंगे ना तो डैडी मिलेंगे, तुम्हारा मुन्ना मिलेगा, और एक अजनबी भी मिलेगा जिसे जबरदस्ती डैडी ने विजय मान रखा है। वैसे वो बहुत अच्छा आदमी है दीदी, अगर वो यहाँ मुन्ने को छोड़ने ना आता ना तो एक्सीडेंट और जीजा जी के मौत की खबर सुनकर डैडी को कुछ भी हो सकता था, और यहाँ जो लूटमार मची हुई थी ना उसको भी उसी ने रोका, और मैं उसे प्यार भी करने लगी हूँ दीदी। वो कमीना जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था ना वो भी यही है। याद करो दीदी, ये धुन को याद करो, ये धुन हम बचपन से गाते आ रहे हैं, याद करो इस गाने को। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। ला 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 ला
की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले चल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले रुपए। तो मुझे क्या करना होगा डॉक्टर साहब? विजय पर तुम्हारा एक बदला बाकी है, उसे खत्म कर दो। 10,000 में तो विजय के पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। आप आराम से रहिए, कल सुबह आपका काम हो जाएगा। नमस्ते। पुलिस केस हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि इसको उठाकर नदी में फेंक दो, खुद ही मर जाएगा और हम पे किसी को शक भी नहीं होगा। चलो उठा। सिन्हा साहब, आपका दामाद ये है विजय, जो ट्रेन के हादसे में मारा गया। जो यहाँ आपका दामाद विजय बन के आया है वो अमृत है, एक खूनी जिसकी तलाश पुलिस को है। पर जूही ने तो वो जूही को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने उससे कहा था कि अगर उसे शौहर मारने से इनकार कर दिया तो वो उसके बच्चे का खून कर देगा। वो बेचारी क्या करती? सिन्हा साहब, ममता अगर औरत की सबसे बड़ी ताकत है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी तो है।
पुलिस को बुलाता हूँ। बच्चों जैसी बातें मत कीजिए सिन्हा साहब। पुलिस का ध्यान मेरे मन में भी आया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि आपकी बदनामी हो जाएगी। आप दुनिया वालों के सामने अमृत को अपना दामाद विजय समझकर पेश कर चुके हैं। जूही का हस्बैंड, जूही मेरी पेशेंट है। मुझे जिस वक्त अमृत की असलियत मालूम पड़ी, मैंने उसे पकड़ लिया, उस पर दबाव डाला। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चुपचाप यहां से चले जाओगे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, और हर इंसान फांसी से डरता है। मेरी बात उसकी समझ में आ गई, वो चला गया। थैंक यू डॉक्टर, एक एहसान और मुझ पर। एहसान किस बात का सिन्हा साहब, आदमी ही आदमी के काम आता है। रश्मि, जूही। यस डैडी। जी डैडी। ये जो लड़का यहाँ रहता है विजय, ये तुम्हारा पति है। हाँ, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। यही दिन देखने के लिए शायद मैंने तुम दोनों के बड़े होने की दुआएं मांगी थी। पाप बन के तुम्हें चलना सिखाया, मां बन के लोरियां गाई, और भाई बन के तुम्हारे साथ खेला। और अब तुम्हारे चेहरों की तरफ देखने से मेरी निगाहें मैली हो रही। मत कहो मुझे डैडी। मैं किसी ऐसी बेटी का डैडी नहीं होना चाहता जो अपने बाप की आंखों में अपने सुहाग की धूल झोंक रही है। कह मैं भी सकती हूँ डैडी, अपनी बेटियों की पवित्रता पे शक करने वाले बाप को मैं अपना बाप नहीं कहना चाहती। दीदी तुम चुप रहो। वो शैतान डॉक्टर आपके लिए हम लोगों से ज्यादा हो गया। उसने जो कहा आपने मान लिया, हमारे पूछे बिना हमारे खिलाफ फैसला भी सुना दिया गया। पूछना क्या था? अगर विजय तुम्हारा पति है तो ये कौन है? क्या तू उसके साथ सुहाग का नाटक नहीं कर रही है? क्या यह नाटक देखकर उस आदमी की आत्मा को खुशी हो रही होगी जिसके प्यार में तूने अपना घर छोड़ दिया? जी हाँ, ये नाटक देखकर उसकी आत्मा को बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा था, और अभी होगा। आज मैं आपके सामने ये नाटक खत्म कर देती हूँ। ये चूड़ियां पहनने से मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, और ये बिंदिया मेरे माथे पर अंगारे की तरह चिपकी हुई है। आप मुझे मेरे प्यार का ताना नहीं दे सकते। आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि मैं विधवा हूं। मैं जानती हूं कि मैं विधवा हूं, फिर भी मैं इस नकली सुहाग के नरक में जीती रही, आपके लिए, इस घर की खुशी के लिए, अपनी बहन के प्यार के लिए। मैंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया दादी। फिर भी कोई गैरतमंद बाप ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बेटी एक धोखेबाज और कातिल की नकली बीवी बनकर रहे। डैडी, ना वो धोखेबाज है ना कातिल। अच्छा, अब वो धोखेबाज भी नहीं रहा? क्या वो विजय बनकर यहाँ नहीं आया? क्या वो हमारी मोहब्बतों और मेहरबानियों को जलील नहीं करता रहा? नहीं डैडी, वो विजय बनकर नहीं आया था, उसे आपने जबरदस्ती विजय बना दिया। मैं आपको डैडी कैसे कह सकता? रहना भी नहीं चाहता था। मैं तो गैर अजनबी, याद कीजिए, आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने तो उसे पहले ही दिन पहचान लिया था डैडी। मैं उसे निकालना भी चाहती थी, लेकिन मैंने देखा आपका बुढ़ापा उसके कंधों का सहारा लेकर खड़ा है, और मैंने सोचा आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं चुप रही। फिर भी उसकी आत्मा उसको परेशान करने लगी। वो भी जीवन कर रहने को तैयार न कर सका अपने आप को, तो एक खत लिखकर जिसमें सारी बातें साफ साफ लिखी थी वो चला जाना चाहता था। ये रहा वो खत। मुझे तो रश्मि ने बताया कि उसकी वजह से मुन्ने की जान बची, उसकी वजह से आपका कारोबार संभला, और आप उस पर धोखेबाजी का इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे आपसे इतनी छोटी बात की उम्मीद नहीं थी डरी। फ्रॉड तो आपका ये नकली डॉक्टर जोशी है, जिससे अपना खानदान बचाने के लिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। लेकिन वो यहाँ से भाग क्यों गया? भाग गया डैडी, जरूर वो इस नकली डॉक्टर की वजह से भागा होगा। वो उसे पुलिस के हवाले कर सकता है, और कातिल न होने के बावजूद भी कत्ल करने की सजा मिल सकती है उसे। डैडी, अगर ये नकली डॉक्टर ये बयान दे दे कि गोली इत्तेफाक से चली थी तो वो बच सकता है। लेकिन वो ये बयान क्यों देगा? रुपये के लिए, वो तो कुत्ता है डैडी। नोटों की बोटी दिखाइए, वो कुछ भी करने को तैयार है। लाख, दो लाख, दस लाख मांगेगा ना, दे दीजिए। पगली, तुम दोनों की खुशियों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ,
आप तो मुझे माफ कर दो। जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो चाचा पानी में से किसको निकाल रहे हैं। पानी में से, अरे अबे जल्दी आओ, देखो है या नहीं। चाचा के कमरे में ले आओ, निकला सामान के ले आओ। सिन्हा साहब आप? हाँ, मैं ये पूछने आया हूँ कि तुम्हें डॉक्टर जोशी कहूं या भगवत सिंह ब्लैकमेलर। मेरे ख्याल में तो आप मुझे फरिश्ता ही कहिए, फरिश्ता, एंजल। अगर चाहता तो आपकी बेटी को ना भी बचाता, अगर चाहता तो उसे कहीं छुपा के रख देता, आपसे कहता माल निकालिए। अब जाहिर है आपको अपना माल अपनी बेटी से ज्यादा अजीज नहीं होगा। इस बैग में 6 लाख रुपए हैं, गिन लो। आप कहते हैं तो जरूर होगा, मैं गिनूंगा नहीं। इस छोटी सी रकम के लिए आप झूठ थोड़ी बोलेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये रुपया तुम्हारा हुआ, लेकिन अदालत में बयान देने के बाद हो सकता है ये रुपया पाने के बाद तुम अपनी याददाश्त खो बैठो और सिर्फ ये याद रहे कि उस लड़की का खून अमृत ने किया था। पहले अदालत में बयान दो, फिर अपने दाम लो। और अगर बयान देने के बाद आपकी नीयत बदल जाए तो? मैं ब्लैकमेलर नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वही करता हूं। फिर भी अगर जमानत के तौर पर ये बैग मेरे पास रहेगा तो मुझे सच्चा बयान देने में बड़ी आसानी होगी। बात दरअसल ये है कि झूठ बोलने की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई है कि जब कभी सच बोलने जाता हूँ जबान लड़ खड़ा जाती है कमबख्त। ये बैग टेबल पर रख लो, आगे बढ़ाओ, और याद रखे मुझे इसे चलाना भी आता है। तुम्हें सब बताती हूँ। काजल को गोली तो जरूर लगी थी, लेकिन घाव खतरनाक नहीं था, सो बच गई। जब होश आया तो पुलिस बयान लेने आई। वो सूअर का बच्चा बीके तो यही चाहता था कि काजल तुम्हारे खिलाफ बयान दे, लेकिन मैंने काजल को समझाया कि देख काजल, पहले भी उस बेचारे के सर बीके की हुई चोरी का इल्जाम लगाकर तूने उसे 2 साल की जेल करवाई, अब फिर ऐसा अन्याय उसके साथ मत करना। बस उसकी समझ में बात आ गई और उसने बयान दे दिया कि गोली किसी ने नहीं चलाई, वो गन साफ कर रही थी तो गोली खुद ब खुद चल गई। यानी कि मैं बिना वजह पुलिस के डर के मारे भागा भागा फिर रहा था। अमृत, अब मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर ये बयान दूंगी कि वो हाथ बिक्की ने चुराया था, चाहे इसके लिए मुझे ही जेल क्यों न जाना पड़े। डैडी, डैडी, मुन्ने को कोई उठाकर ले गया। होगा कुछ नहीं मिस सिन्हा, और आप भी अगर इसी तरह घबराते रहेंगे बच्चों की तरह तो काम कैसे चलेगा सिन्हा साहब। मुन्ना मेरे पास है, बड़े आराम से है। यू बास्टर्ड, अंग्रेजी में नहीं सिन्हा साहब, राष्ट्रभाषा का उपयोग कीजिए, बास्टर्ड नहीं हरामी कहिए। चलिए इसी बात पर गालियों की एक अंताक्षरी हो जाए, पहले आप शुरू कीजिए। अगर मुन्ना का बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूं। आप चिल्लाते क्यों है सिन्हा साहब, मैं बहरा नहीं हूं। और मुन्ने का बाल क्यों बांका होने लगा साहब, वो जहां भी है बड़े आराम से है, लॉलीपॉप चूस रहा है, चॉकलेट खा रहा है। आप अपने आप को बहुत होशियार समझते थे ना, उस रोज मुझे पिस्तौल दिखाकर मुझसे 6 लाख रुपए छीन लिए थे ना आपने। हाथी के मुंह से कभी गन्ना नहीं छीना जाता, उस रोज तो मैं चुप रह गया और आप समझे थे कि मेरी बाजी मात हो गई। मैं आपको रिवॉल्वर नहीं दिखाऊंगा, मुझे पिस्तौल की आवाज अच्छी नहीं लगती। बस आप यूं समझ लीजिए कि आपका नवासा आपके सामने खड़ा है, मेरे 6 लाख रुपए दे दीजिए, अपना नवासा वापस ले लीजिए। मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। नंबर आप मिलाएंगे या मैं नंबर मिलाऊं? देखिए जेल में आजकल इतनी ज्यादा तकलीफें नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। मेरा क्या, मैं तो जाकर कुछ दिन आराम कर लूंगा, लेकिन आप मुन्ने का सोचिए। जब तक उसके पास लॉलीपॉप रहेगी, चॉकलेट रहेगी, वो खुश रहेगा। पहले उसकी लॉलीपॉप खत्म हो जाएगी, उसके बाद चॉकलेट खत्म हो जाएगी, फिर उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो बिल्कुल अकेला है, और आहिस्ता आहिस्ता रात होती जाएगी,
और वो डर के मारे रोना शुरू कर देगा और वहां उसके रोने की आवाज कोई नहीं सुनेगा और आहिस्ता आहिस्ता रात बढ़ती जाएगी, उसके रोने की आवाज और धीमी होती जाएगी और मध्यम और मध्यम। नहीं डैडी, डैडी इसे 6 लाख रुपए दे दीजिए। नहीं, मैं इस ब्लैक मेलर को 1 पैसा नहीं दूंगा। आपको अपना पैसा मेरे मुंडे से ज्यादा प्यारा है। आप यही रहिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मुझे अपना मुन्ना 6 लाख रुपए से कहीं ज्यादा प्यारा है। गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। यू स्माइल, आई विल किल यू। मिस सिन्हा, आपके ये गोरे गोरे नाजुक नाजुक हाथ अमृत के गले में पड़ने के लिए हैं, थप्पड़ मारने के लिए नहीं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा भी दबा दूंगा ना तो ये छट कनी से टूट जाएगा और आपको 3 महीने के लिए हाथ प्लास्टर में रखना पड़ेगा। मिस रश्मि सिन्हा, इतना याद रखिए कि आप रश्मि सिन्हा हैं, झांसी की रानी नहीं। अब मेरा एहसान मानिए, मैं इसे तोड़ नहीं रहा, छोड़ रहा हूं। ये लो रुपए। थैंक यू। ठहरो, मैं बुजदिल नहीं। किसी ब्लैक मेलर को पैसा देना होगा तो मैं दूंगा। मेरी बेटी किसी ब्लैक मेलर के साथ नहीं जाएगी। चलो, आफ्टर यू। दीदी, हमें डैडी को इसके साथ अकेले नहीं जाने देना चाहिए। चलो इसका पीछा करते हैं। चलो, बच्चे को ले आओ इधर। बोला, बच्चे को लाओ। रुक जाओ, पहले बैग ले लो। देख लिया, हम हाथी के मुंह से भी गन्ना छीन लेते हैं। बैग इधर फेंक दो। देते हैं, फेंको। लो, फेंक दिया। डॉक्टर साहब, फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया। एक्सक्यूज मी, गेट अप। सिन्हा साहब, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और। और जब हाथी बिगड़ जाता है ना तो जंगल के जंगल बर्बाद कर देता है। जय मुन्ना, मुन्ना। इस बच्चे को जरा पहाड़ी के नीचे फेंक देना। सिन्हा साहब, फिर भी नहीं मानो। Munna! 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 Munna!
ठीक है सेना। अमृत, ये क्या है? अपना फर्ज अदा कर चुका हूं इसलिए जा रहा हूं। तुमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन मुझे अभी अपना फर्ज अदा करना बाकी। मुझे नकली चीज बिल्कुल पसंद नहीं। तुम यहाँ नकली दामाद बनकर आए थे और अब असली दामाद बन के रहोगे। और नहीं तो क्या, आज तक रश्मि तुम्हें जीजा कहती थी, नकली जीजा और नकली सारी, लेकिन अब मैं तुम्हें जीजा कहूंगी, असली जीजा और असली सारी। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आ जा मेरे।